सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों यार, नोकिया के फोन्स की मजबूती के बारे में मतलब हम सभी को बताया, बचपन से हमने 3310 को हथौड़े के रूप में इमेजिन किया, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आज मेरे पास में नोकिया का ये एक नया फोन जो कि है नोकिया 800, और नोकिया खुद बोलता है कि ये है टफ, नोकिया 800 टफ। तो आज दोस्तों इसी को करते हैं अनबॉक्स, थोड़ा सा फेंकते हैं, उछालते हैं, देखते हैं कि भैया फोन जो है वो कितना टफ है। अगर बच गया तो आप में से एक लकी व्यूअर को मिलेगा। वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, काफी मजा आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। नोकिया 800 टफ दोस्तों, यहां पे ये है हमारे पास में फोन, टिपिकल नोकिया स्टाइलिंग वाली पैकेजिंग में, जहां पे साइड में है इसी फोन की ब्रांडिंग और ये एक ड्यूअल सिम स्मार्टफोन है। पीछे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में अगर कुछ और डिटेल्स है इसी फोन से जुड़ी हुई, जहां पे कुछ कुछ हाइलाइट्स को मेंशन किया गया है। खैर, मैं करता हूं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए इसी की सील ब्रेक, और आप कर दो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब। वैसे दोस्तों यहाँ पे फोन मिलता है, सबसे पहले हमें बॉक्स ओपन करते हैं और काफी रगेड और ड्यूरेबल है यार ये लुक्स में, मतलब किसी हथियार से कम लग नहीं रहा है। वैसे यहाँ पे दोस्तों इसी के साथ में नीचे हमारे पास में है ये एक सिम ट्रे टूल, जहां पे लिखा है क्लियरली कि भैया पेचकस का उपयोग नहीं करना है। साथ में दोस्तों ये एक नोकिया ब्रांडेड चार्जर, फिर है यूएसबी टू माइक्रो यूएसबी केबल, फिर है ये नोकिया वाले कुछ बेसिक ईयरफोन्स जो कि आई एम श्योर कि हम सभी ने लाइफ में कभी ना कभी जरूर इस्तेमाल किए होंगे। साथ दोस्तों हमारे पास में ये एक स्ट्रैप है कैरबिनर हुक के साथ में इसी फोन को कनेक्ट करने के लिए, बिकॉज भैया काफी रगेड रगेड वाला ये फोन है। वैसे यहां पर दोस्तों अगर मैं करता हूं जल्दी से फोन को बूट और बात करते हैं कुछ और डिटेल्स के बारे में, तो यहां पर दोस्तों यार ये एक बिल्कुल ना रगेड फोन है, जहां पर हमारे पास में एक 2.4 इंचेस का ये डिस्प्ले, साइड्स बहुत ज्यादा ग्रिपी हैं एक इंडस्ट्रियल लुक के साथ में, ऊपर दोस्तों यहां पे फ्लैप्स के पीछे छुपा है हमारा ये हेडफोन जैक, साथ में है ये माइक्रो यूएसबी पोर्ट और फिर एक टॉर्च लाइट भी है जो कि बहुत ज्यादा ब्राइट है। यहां पर दोस्तों लेफ्ट साइड में भी एक और फ्लैप है, जहां पर इसके अंदर हमारे पास मिल जाती है हमको ये एक ड्यूएल सिम वाली हाइब्रिड सिम ट्रे। साथ दोस्तों जो फोन है ये IP68 और MIL 810G सर्टिफाइड है, जहां पर नीचे हमारे पास में ये हुक है काफी रगेड लुक देता हुआ। पीछे दोस्तों यहां पर ये एकदम बिल्कुल मतलब ऐसा सॉलिड सा लगता है ना, जहां पे मेटल प्लेट भी दी गई है, और यहां पे हमारे पास में है 2 मेगापिक्सल का कैमरा, साथ में दोस्तों स्पीकर ग्रिल है और फिर फ्लैश अवेलेबल है। यहां पर दोस्तों ये चलता है काई ओएस पे, तो मतलब आप बहुत सारी एप्स, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप या ट्विटर या फेसबुक या गूगल मैप्स, गूगल असिस्टेंट, यूट्यूब वगैरह बड़े आराम से दोस्तों यूज कर सकते हैं। तो मतलब ये एक 4G स्मार्टफोन तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ दोस्तों ये 4G थोड़ा सा छोटा वाला स्मार्टफोन है, जहां पे आप कुछ कुछ दोस्तों काम इंटरेस्टिंग तरीके से कर पाएंगे। वैसे यहां पे साथ में है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 205 प्रोसेसर, 512 MB की रैम है, 4GB स्टोरेज है, और बैटरी दोस्तों है 2100 mAh, जो कि डेफिनेटली बहुत 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 लंबा साथ निभा देगी। कैमरा भी दोस्तों अगर बेसिक नीड्स के लिए तो अब 2 मेगापिक्सल का है, ठीक ठाक सा ही है अगर आपको नॉर्मल कभी डे लाइट में थोड़ी बहुत धुंधली धुंधली फोटोज खींचनी हो। वैसे अभी हम बात करते हैं इस फोन की एक्चुअल टेस्टिंग के बारे में, और देखते हैं कि क्या ये बच पाता है या नहीं। दोस्तों यहां पर अभी मैंने तैयारी कर ली है इस नोकिया 800 टफ की टफनेस को चेक करने के लिए। हमारे पास में दोस्तों एक फुल साइज SUV है, जहां पे वजन बहुत ज्यादा है और नोकिया के फोन जैसे टफ होता है, लेकिन नोकिया खुद बोल रहा है इस बार तो कि फोन बहुत टफ है। तो थोड़ा सा मतलब एक बार ऐसे भी चेक कर लेते हैं, मतलब अगर इसे उछाला तो मतलब अभी तक कुछ हुआ नहीं है। वैसे फोन के ऊपर हल्का हल्का जो है वो स्क्रैच भी, क्या बोलूँ मैं, शायद टाइल्स में कुछ दिक्कत होगी, क्योंकि मतलब ये अभी है नोकिया 800 टफ। और अभी इसको दोस्तों मैं रखता हूँ सीधा यहाँ पे सामने, देखते हैं कि क्या ये सरवाइव करता है कि नहीं। अभी तो सरवाइव कर रहा है, अगर आप दोस्तों देखोगे तो यहाँ पे हम जाके चीज़ें जो हैं वो देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल फ़ोन पूरा ऑन है, लेकिन क्या ये इस टेस्ट को सरवाइव कर पाएगा क्या वो हम देखते हैं। दोस्तों क्या कहते हो, बचेगा क्या फ़ोन, मतलब क्या आपका भरोसा है? चलो लेट्स सी। क्रैक हुआ गया शायद फोन के बटन दबे हैं, मैंने टायर जो है वो 2 बार आगे 2 बार पीछे, अभी लेट्स सी। इसको कुछ भी नहीं हुआ, इसको कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब यहाँ पे ये एज इट इज, मतलब लिटरली दोस्तों कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ा इसको अगर मैं रगड़ के साफ करूंगा, थोड़ा सा अगर धो लूंगा ना,
धोने की भी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ये देखो, एकदम ब्रांड न्यू फ़ोन। और मैं एक बार एक चीज़ आपको करता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि नोकिया का मतलब क्या है। स्पीकर भी चल रहा है मतलब। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ ऐसी है कहानी नोकिया टेन टफ की। बाकी मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़ोन और मन कर रहा है इसको ऐसे उछालें और फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ ये फ्लैप निकलता है। तो कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है कि टूटता नहीं है। और ये है नोकिया 800 टफ, बहुत ज़्यादा टफ है दोस्तों। बस फिलहाल इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई तरह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। दोस्तों इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।